Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video I will explain about types of RNA and their function. ठीक है, तो इस वीडियो में आज आपको RNA के टाइप्स बताऊंगी. जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कई बार वीडियोस में डिस्कस किया है कि मेनली थ्री टाइप्स के RNA होते हैं, mRNA, tRNA, rRNA. बल्कि मैंने आपको बताया था कि जो tRNA होता है वो स्मॉलेस्ट होता है. दूसरा, इसका मैंने आपको से पहली वीडियोस में आपको इसका पूरे स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस सब बता रखा था. इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उससे, बाकी इसमें से भी आ जाता है. पता होना चाहिए आपको सब कुछ ही, कितने टाइप्स के होते हैं. अदर RNA भी मैंने आपको बताए हैं, snRNA, hiRNA, miRNA, कुछ ऐसे ही करके था, microRNA सॉरी. तो मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी mRNA. mRNA को हम बेसिकली क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA बोलते हैं. mRNA accounts for 5% of total RNA in the cell. It carries complementary genetic code copy from DNA during transcription. जो mRNA होता है, जो total होता है, वो 5% होता है. सबसे ज़्यादा आपका ribosomal RNA होता है 80%. उससे फिर थोड़ा बाद tRNA, तो और mRNA 5% होता है. ठीक है, ईच कोडॉन कोड्स अ पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. ये जेनेटिक कोड कैरी करता है जब ट्रांसक्रिप्शन होता है. ट्रांसक्रिप्शन में DNA से RNA बनता है, यानी डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड बनता है. तो ये जेनेटिक कोड कैरी करता है. जो कोडॉन होते हैं वो ट्रिपलेट होते हैं, इतना तो आपको पता ही होगा. और जो कोडॉन होते हैं वो पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ही कोड करते हैं. जैसे AUG है, वो किसको कोड करता है, मिथियोनिन को. तो एक कोडॉन स्पेसिफिक होता है कि वो पर्टिकुलर अमीनो एसिड को ही कोड करेगा. ए पार्ट ऑफ पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग इन यूकेरियोट्स, द 5' एंड ऑफ mRNA इज कॉपीड, इज कैप विद गुआनिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड विच हेल्प इन mRNA रिकॉग्नाइजेशन ड्यूरिंग. देखो, जो 5' एंड होती है, गुआनिन ट्राइफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, ये क्या करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती हैं. mRNA रिप्रेजेंट ओनली अ सिंगल जीन. जब mRNA सिंगल जीन को रिप्रेजेंट करता है, उसे मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA बोलते हैं. से AUG मैंने आपको बताया, मिथुनिन को कोड करते हैं. दूसरा इनिशिएटर होता है, इनिशिएट करता है. इसके डुअल फंक्शन होते हैं. नहीं, जब mRNA एक ही जीन को रिप्रेजेंट करता है तो वो होता है मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA. इसे हम क्या बोलते हैं, AUG. mRNA विच रिप्रेजेंट मोर देन वन जीन. जब mRNA एक से ज़्यादा जीन को रिप्रेजेंट करता है, उसे हम पॉलीसिस्ट्रॉनिक बोलते हैं. से CUAA हो गया, ये सारे स्टार्ट कोडॉन्स, वो सॉरी स्टॉप कोडॉन्स, टर्मिनेटिंग कोडॉन, ये पॉलीसिस्ट्रॉनिक में आ गए. UAA यानी एक से ज़्यादा जो जीन mRNA रिप्रेजेंट करते हैं वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक. पॉली मीन्स मैनी. और जब mRNA एक ही जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट मीन्स मोनो. मोनो मीन्स सिंगल जीन. ठीक है, मोनोसिस्ट्रॉनिक mRNA और पॉलीसिस्ट्रॉनिक, समझ आ गया. ऑल mRNA कंटेन्स टू टाइप ऑफ रीजन, कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ कोडोन, स्टार्टिंग विद एन इनिशिएशन कोडोन एंड एंडिंग विद एन टर्मिनेशन कोडोन. जो mRNA होता है, इसमें दो पॉइंट होते हैं. जहाँ एक तो स्टार्ट वाला पॉइंट जो क्या होता है, इनिशिएशन कोडॉन होता है, और दूसरा जहाँ पर वो टर्मिनेट हो रहा है, वो रीजन, उसे हम बोलेंगे टर्मिनेशन कोडॉन. ठीक है, अब बात करते हैं RRNA की. इसे हम राइबोसोमल RNA बोलते हैं. और mRNA को क्या बोलते हैं, मैसेंजर RNA. इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए. RRNA एसोसिएट विद अ सेट ऑफ प्रोटीन टू फॉर्म राइबोसोम. ये प्रोटीन के साथ एसोसिएटेड होता है जो राइबोसोम बनाता है. इट इज़ फाउंड इन राइबोसोम. 80% होता है सेल में जो मिलता है, इतना होता है ये 80%. इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट. जैसे राइबोसोम होता है ना, ये प्रोकैरियोट में मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको ट्रांसलेशन वाला बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, कि राइबोसोम में वो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S और यूकैरियोटिक 80S. तो क्या सब यूनिट बताई थी मैंने आपको, एक बताई थी 50S और एक बताई थी 38. तो इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज सब यूनिट. जो 50S है वो लार्ज होगी, और स्मॉल वाली 30S से स्मॉल होगी, जो स्पेसिफिक RNA मॉलिक्यूल से मिलके बनी हैं. RRNA कंबाइन विद प्रोटीन एंड एंजाइम साइटोप्लास्ट टू फॉर्म. ये इनके साथ साइटोप्लास्ट में प्रोटीन्स और एंजाइम के साथ होता है, राइबोसोम बनाता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस यानी ट्रांसलेशन में हेल्प करता है. ये RRNA कंबाइन विद प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स इन साइटोप्लास्ट टू फॉर्म राइबोसोम्स.
विच एक्ट एज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, वो प्रोटीन सिंथेसिस की तरह एक्ट करता है। यूकेरियोटिक राइबोसोमल आरआरएनए में 4 डिफरेंट आरएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं, 18 एसआरएनए, 5 एसआरएनए, 28 और 65 एसआरएनए, और प्रोकैरियोटिक में 16S मैंने आपको बताया था इनिशिएट करता है, ये 5 एसआरएनए, ये 23 एसआरएनए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मैंने आपको वीडियो में भी बता रखे हैं। तो इसका जो आरआरएनए होता है 80% होता है सेल में, ये राइबोसोम जब ये बन जाता है तो ये साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं, एंजाइम्स वगैरह काफ़ी मिलके ये उसका प्रोटीन से, वो सॉरी राइबोसोम के साथ ये आरएनए से फिर प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, यानी प्रोटीन में ट्रांसलेशन में हेल्प करते हैं। बाकी प्रोकैरियोट यूकेरियोटिक राइबोसोम सब यूनिट मैंने आपको बता दी हैं। और इसके बाद आता है टीआरएनए के बारे में बताया था, ये स्मॉलेस्ट आरएनए होता है, इसे हम क्लॉवर लीफ मॉडल भी बोलते हैं, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर था, 4 डिफरेंट लूप्स थी, ये बताया था मैंने आपको। टीआरएनए स्मॉलेस्ट टाइप का आरएनए होता है, इसमें 75 से 90 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। टीआरएनए एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन, ये ट्रांसलेशन में हेल्प करता है, जब हमने वो पढ़ा था कि अब पी साइट पर आएगा, फिर इलोंगेशन में ए साइट पर आएगा, फिर ट्रांसलोकेशन होगी, शिफ्टिंग हो जाएगी, पी वाला ई पे शिफ्ट हो रहा है, यानी एक शिफ्टिंग हो रही थी, तो उस तरह से अब इसमें टीआरएनए का भी ट्रांसलेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। टीआरएनए आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ ट्रांसलेशन, वेयर मेन फंक्शन इज ट्रांसफर ऑफ अमाइनो एसिड, देयरफॉर आर कॉल्ड, हम इसे ट्रांसफर आरएनए भी बोलते हैं, अमाइनो एसिड ट्रांसफर करता है ना, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर आरएनए। ईच ऑफ 20 अमीनो एसिड है स्पेसिफिक टीआरएनए बाइंडिंग विद इट ट्रांसफर विद ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड, जो 20 अमीनो एसिड होते हैं वो स्पेसिफिक साइट पर बाइंड होते हैं और क्या करते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जो ट्रांसफ़र हो जाते हैं जो पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं उसमें वो बाइंड होकर ट्रांसफ़र होते हैं स्पेसिफिक साइट पर। टीआरएनए आल्सो एक्ट एज एन एडेप्टर इन ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस, एडेप्टर की तरह भी काम करता है प्रोटीन्स के लिए, ऑफ जेनेटिक सीक्वेंस फॉर एमआरएनए इनटू प्रोटीन, दे और ऑल्सो कॉल्ड, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इट इज़ है क्लॉवर लीफ मॉडल होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड से स्टेबलाइज होता है, मिथाइल गुआनिन, मिथाइल साइटोसिन, मिथाइलेटेड बेस फ्यूज होते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ आया हो, टॉपिक इस वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्लीज़ हैव अ थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।